नमस्कार दोस्तों, आज का एक बार फिर से आप सबका स्वागत है स्पोर्ट 365 में। आज हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे होबार्ट हरिकेन्स वर्सेस मेलबर्न इंडियंस, जो कि ये मैच बिग बैश का है। और बिग बैश का ये है, हम यहाँ पर प्रिडिक्शन करेंगे कौन सी टीम यहाँ पर स्ट्रांग है और कौन सी विन होगी ये मैच। तो यहाँ पर हम दोस्तों देख लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आज कुछ बड़ी चेंजेज हैं इस मैच में। आज एरोन फिंच आ रहे हैं इस मैच में। तो देख लेते हैं दोस्तों कि क्या हमारी आज की प्रिडिक्शन हो सकती है और कौन सी टीम आज विन होगी। तो उस हिसाब से हम आपकी अपनी प्रिडिक्शन आज करते हैं यहाँ पर। तो हमारी टीम देख लेते हैं जो हमारी आज ड्रीम इलेवन पे बनेगी दोस्तों। तो दोस्तों जो आज हमारी टीम बनेगी ड्रीम इलेवन पे, उसमें हम विकेट कीपर में हमारे पास दो ऑप्शन है, लूडमैन एंड सैम हार्पर। लूडमैन मैथ्यू वेड, लूडमैन सैम हार्पर। यहाँ पर हम लेंगे मैथ्यू वेड, जो कि सबसे बेस्ट है, ओपनिंग आते हैं और काफ़ी अच्छे फॉर्म में। आप अगर चाहें तो सैम हार्पर को ट्राई कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर लेंगे मैथ्यू वेड को, जो कि हमारे स्मॉल लीग जो हम खेलते हैं उसमें सबसे बेस्ट होते हैं, सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। और बैट्समैन में यहाँ पर जो ये मैच है, मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा सा बॉलिंग सपोर्टिव पिच है, डोकलैंड के अंदर मैच है ये। तो यहाँ पर हम बैट्समैन केवल तीन लेंगे, और जो कि हमारे डीआरसी शॉर्ट है जिनको हम कैप्टन बनाएंगे, एरोन फिन जो कि आ रहे हैं इनको ले लेंगे। और यहाँ पर एक बैट्समैन हम लेंगे एलेक्स टूलन। आप चाहें कैरियर मेंशन के लिए मैंने एलेक्स टूलन लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर कैमरून वाइट, जॉर्ज वेली, यहाँ पर बेन मैकडर्मट, कैमरून वाइट, जॉर्ज वेली, मार्क हैरिस, तो ये बैट्समैन अवेलेबल हैं यहाँ पर। आप चाहें तो इनको ले सकते हैं, टॉम कूपर, और एम हार्वी, ये भी है अवेलेबल है एम हार्वी भी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी बैटमैन सेक्शन की बात है। अब ऑलराउंडर में देख लेते हैं, हमारे पास ऑलराउंडर में डैनियन क्रिश्चियन अवेलेबल हैं, मार्थी नबी, एम नबी, फॉकनर, पोथा, सिमोन मिकलेनो, तो ये हो गए हमारे ऑलराउंडर। तो यहाँ पर जो हम वेवेस्टर भी अवेलेबल है दोस्तों, आप चाहें तो वेवेस्टर को ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं लास्ट कुछ मैचों में। लेकिन हम यहाँ पर लेंगे मोहम्मद नबी को, जेम्स फोकनर को एंड जोआन बोथा को, ये हमारे आज के ऑलराउंडर हैं। हमने यहाँ पर डेनियल क्रिश्चियन को ड्रॉप करा है, क्योंकि बॉलिंग कुछ ज़्यादा करते नहीं है और बैटिंग में भी लेट आ रहे हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर हमने फोकनर काफ़ी अच्छे फॉर्म में है और बोथा काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम पर, पूरे चार ओवर डालते हैं और बैटिंग में अच्छा खासा रन, 10-15 रन जो मारना होता मारते हैं। तो इस हिसाब से हमने ऑलराउंडर सेलेक्ट कर लिया। और बॉलिंग में देख लेते हैं हमारे पास जो कि हैं आर्चर हैं, जोफा आर्चर, जिनको मिस नहीं कर सकते, केन रिचार्डसन है, केमरन बाउसे लिया है दोस्तों मैंने, आप चाहें तो यहाँ पर कैमरन बाउसे की जगह जेक विल्टरमुथ ले सकते हैं, पर मैंने बाउसे लिया है जो कि काफ़ी अच्छी पिक है। और उस्मान खान सिनवारी भी अवेलेबल हैं इस मैच में मेलबर्न की तरफ से, आप चाहें तो सिनवारी को लें। सॉरी दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों क्या टीम हो गई हमारी। और टीम में हमने कैप्टन कर दिया है आरसी शॉर्ट को, आप चाहें तो कैप्टन मोस्टली यही रहेंगे स्मॉल लीग में। और वाइस कैप्टन आप चाहें तो नवी को कर सकते हैं ट्राई, फोकनर को ट्राई कर सकते हैं, वेड को ट्राई कर सकते हैं। हम यहाँ पर फोकनर को आज वाइस कैप्टन करेंगे। टीम देख लेते हैं दोस्तों, मैथ्यू वेड है विकेट कीपर में, एलेक्स डूलन, डीआरसी शॉर्ट एंड एरोन फिंच, ये तीनों बैट्समैन में हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में जुआन बोथा, एरो फोकनर, नवी, बॉलिंग में हमारे पास जोफा आर्चर, केन रिचार्डसन, कैमरन बॉयसे, उस्मान खान। तो दोस्तों ये हो गई हमारी आज की टीम स्मॉल लीग में। हम यही डालेंगे आज 3 से 4 मेंबर्स में, 5 मेंबर्स में, 10 मेंबर्स में। आप ग्रैंड लीग खेलते हैं तो आप उसमें ट्राई कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा लगे। प्लेइंग एलेवन बता दी है लगभग। तो ये दोस्तों ये आज की हमारी ड्रीम इलेवन की टीम होगी। और मैं विनर बता दूं आज की, जो हमारे आज का विनर होगा वो विनर होगी आज होबार्ट की टीम, काफ़ी अच्छे फॉर्म में है होबार्ट की टीम। तो यहाँ पर जो विनर होगी वो होबार्ट की टीम होगी। और जो चेंजेज हैं, एरोन फिंच आ रहे हैं, और एरोन फिंच के साथ एक बॉलिंग में भी चेंज है, जेमिनी भी आ रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता उनको खिलाएंगे, बट अगर खिलाएंगे तो उस हिसाब से कोई फास्टर जो इन फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मैड्रिथ हैं, तो उनकी जगह खेलेंगे। तो दोस्तों एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज जो दोस्त हमारे प्रिडिक्शन जो हमारी तरफ से है वो होबार्ट की है। आप होबार्ट पे अपना रिस्क लें अगर कहीं भी आप किसी दोस्त के साथ या एनीथिंग करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, इससे हमें आगे भी वीडियो डालने की इच्छा होती है। अगर लाइक नहीं आते तो हमें लगता है कि हमारे यूजर नहीं है, तो उस हिसाब से दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।